नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक लड़ाई बहुत ज्यादा चर्चा में है और ये लड़ाई किसी और की नहीं बल्कि अक्षय कुमार और कपिल शर्मा की बताई जा रही है। अब इस पर कपिल शर्मा का एक बहुत बड़ा बयान आया है और कपिल शर्मा ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और अक्षय कुमार से लड़ाई पर कपिल शर्मा ने जो बातें कही है वो सारी बातें मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप सभी को पता होगा कि लोग बॉलीवुड के किस कदर दीवाने रहते हैं। अगर बॉलीवुड में कोई एक छोटी किसी भी घटना घटित होती है तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर क्या वजह है कि कुछ वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब ऐसे में एक बार फिर से जब बॉलीवुड के दो फेमस अभिनेता कपिल शर्मा और अक्षय कुमार लड़ाई कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि लोग परेशान होने ही थे। अब लोग सवाल पूछ रहे थे और इसके बाद कपिल शर्मा को चुप्पी तोड़नी ही पड़ी और कपिल शर्मा ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है कपिल शर्मा ने, ध्यान से सुनिएगा। अक्षय कुमार से अपने झगड़े को लेकर पहली बार कपिल शर्मा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। कल पूरे दिन से इस खबर को लेकर हंगामा हो रहा था। कहा जा रहा है कि कपिल और अक्षय के बीच बड़ा विवाद हुआ जिसके बाद अक्षय ने एक कपिल के शो पर आने से भी साफ मना कर दिया। बताया गया कि अक्षय की मना करने के बावजूद अपने अक्षय और प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू का मजाक उड़ाने वाली अक्षय और पीएम मोदी के इंटरव्यू का मजाक उड़ाने वाली क्लिप को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। इस क्लिप के वायरल होने के बाद लोगों ने अक्षय का खूब मजाक उड़ाया और अक्षय से नाराज भी लोग हो गए और उन्होंने अपने फिल्म बच्चन पांडे को कपिल के शो पर प्रमोट करने से साफ इनकार कर दिया है। पूरे विवाद पर कपिल ने अपना पक्ष रख दिया है। एक ट्वीट के जरिए लिखा कपिल ने, मैंने मीडिया में आई कई खबरें देखी और पढ़ी हैं जो मेरे और अक्षय पाजी के बारे में हैगी। मैंने पाजी से बात कर ली है और सब कुछ ठीक कर लिया है। सब कुछ मिसकम्युनिकेशन था, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। हम बहुत जल्द मिलकर बच्चन पांडे का एपिसोड शूट करेंगे। वो मेरे बड़े भाई हैं और वो मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकते। थैंक यू। कपिल के इस बयान पर अक्षय की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट की ने तो उसको लेकर ऑक्शन कपिल की टीम से क्लेरिफिकेशंस भी मांगा गया है। फिलहाल तो अब देखना होगा कि कपिल के इस बयान से अक्षय मानते हैं या फिर नहीं, क्योंकि इसकी वजह से अक्षय कुमार के साथ साथ मोदी सरकार की भी फजीहत बनी हुई है। अब कुल मिलाकर के इस मैटर को सुलझाने की कोशिश की जा रही है और कपिल शर्मा ने जिस तरह से सामने आकर के और ट्विटर के जरिए बयान दिया है, इसके बाद ऑडियंस और भी ज्यादा अब इस मैटर को देखने लग गए हैं और ऑडियंस जानना चाहते हैं कि आखिरकार अक्षय कुमार ने इस पर अभी तक कोई रिप्लाई क्यों नहीं दिया है और ये पूरा मुद्दा क्या है और किस वजह से इनकी ये लड़ाई चल रही है। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कब तक कपिल शर्मा और अक्षय की ये लड़ाई सुलझती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये लड़ाई किस वजह से हुई है, ये सब कुछ सामने आ चुका है और सिर्फ अक्षय कुमार और मोदी का मजाक उड़ने की वजह से ही ये लड़ाई चल रही है। अब इस पर जैसे ही अक्षय कुमार अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और कपिल शर्मा के द्वारा किए गए ट्वीट का कोई रिप्लाई करते हैं तो मैं आप सभी को जरूर वीडियो बना करके बताऊंगा। तो यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।